एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आपके लिए इस महीने बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास देखिए, आपके आसपास आप बिलीव करें ना करें, बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो रियली आपके वेल विशर हैं, आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं वो मीन करते हैं उसको। लेकिन आप अपने ज़िद में, या फिर आप ये कहें कि आप इमोशनली इतना डिस्टर्ब हैं कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स में जो भी टर्मोइल्स चल रहे हैं उनको अब आरिया पार करने का समय आ चुका है। आपको अपने पार्टनर के साथ आमने सामने बैठ के बात करनी है ताकि वो आपके वर्क पे असर ना करे, क्योंकि अब जो टाइम आपके लिए आने वाला है, खास करके 12 तारीख के बाद जो आपका टाइम आने वाला है, वो आपके वर्क के लिए बेस्ट होने वाला है। आप सारे फ्रूट्स इन्जॉय करेंगे, सारे अच्छी चीज़ें आप वर्क फ्रंट पर इन्जॉय करेंगे जो आप अब तक चाहते थे। आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई नया इंसान आपको मिल सकता है जो आपके वर्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई इंसान आपके साथ मिलता है तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए। अगर वो आपके सामने कोई प्रपोजल रखता है तो उसको ध्यान से समझिए और एकदम से नो मोड में मत आइए, थोड़ा यस मोड में ही रहिए और सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपका कोई नया कार्य शुरू होने के चांसेस जो आपके पुरानी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। कर्जों से अगर आप दबे हुए हैं तो आपका इस महीने आपको कुछ होप नज़र आएगी जिससे आपके डेप्थ कुछ क्लियर होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, गजेंद्र मोक्षम का अगर आप पाठ करते हैं तो वो आपको कर्जा मुक्ति में जल्दी रिलीफ करता है। इसके साथ साथ अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं फ्राइडे के फ्राइडे, हर शुक्रवार को अगर आप उनके मंदिर जाके हाथ जोड़ते हैं, उनको अगर आप किसी एक शुक्रवार को लाल चुन्नी चढ़ा देते हैं या आप उनको स्वीट चढ़ा देते हैं, वो आपको काफ़ी बेनिफिट करने वाला है।